हिंदुस्तान की एकता के लिए कुछ सरकारी इश्तिहार दिए जाते हैं। समय ऐसा आ गया है कि उन इश्तिहारों को कुछ हल्के बीट पर फिदा पंजाबी गानों से रिप्लेस कर देना चाहिए। पंजाबी की जगह भोजपुरी गाने भी हो सकते हैं, कुछ स्पैनिश गाने भी हो सकते हैं। आप झारखंड के कस्बों में जाइए, बिहार के गांवों में जाइए, उत्तर भारत के शहरों में जाइए, एक महान एकताकारी जो अपना नाम सर्वश्री योयो हनी सिंह बताते हैं, उनका स्वर आपको सब जगह सुनाई देगा। इस वक्त जिस इमारत में पार्श्व में हनी सिंह का और सामने सौरभ द्विवेदी का स्वर आपको सुनाई दे रहा है, वो महान पटना यूनिवर्सिटी का महान मिंटो हिंदू हॉस्टल है, जिसकी इमारत 1907 की तारीख में तामीर हुई थी। यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं और छात्र हैं। ऐसे नेता भी हैं क्या जो अब छात्र नहीं है? क्यों नेता? छात्र हैं। छात्र हैं और एक बुज़ुर्ग हैं। इन बुज़ुर्ग के बारे में क्या बता रहे थे आप? कोई बोल रहे थे क्या वीराना का? इधर बताइए क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक है। कोई भी वीराना मूवी में जो दिखाया जाता है कि एक जो बुड्ढा होता है, जो घर के बाहर आता है, जो पुराना घर होता है, बोलता है इस घर में मत आना, वे उन्हीं की तरह कहानी सुनाते हैं कोई भी जो छात्र जो यहाँ पे नया आता है उनके लिए। हाँ, आप कहानी सुनाते हैं सबको, भूता कहानी। बाबा बैठा के। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है परमेश्वर प्रसाद। परमेश्वर प्रसाद, क्या कहानी सुनाते हैं हमको भी जरा सुनाइए कुछ भूतिया कहानी। पहले सब लाइट उठ नहीं जलता था तो लड़के ने लाइट नहीं जलते तो लड़के कहते थे कि हम बाबा देखें सोए हुए आप थे और देखें कि कोई ये लड़की जो है साड़ी पहने हुए सीढ़ी पर जा रहा, अगर हॉस्टल बन रहा था। आप सोए हुए थे और लड़की साड़ी पहन के ऊपर जा रहा था। हाँ, लड़के बोले हम लड़के बोले हम नहीं देखा था। सुबह में लड़का बोले हाँ मस्करी कर रहा होगा सब। अब जो कर भूत भूत नहीं दिखा कभी आपको यहाँ? ना हमने नहीं नहीं देखा। तो ये सब क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे ये वीराना की तरह बाबा लालटेन लेके कहानी सुनाता है? एग्जाम्पल। कब से हैं आप यहाँ बाबा? मेरा पैदाइश है यहाँ। मेरे पिताजी 3 रुपया से सर्विस करते थे अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों के समय से? हाँ, उनका नाम था नथुनी राम। उनके समय ये प्रोफेसर ही हैं आपको तरुण बाबू अभी हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत से अफसर हुआ IAS IPS में। पहले कैसा था हॉस्टल, अब क्या बदलाव आया है? सब लड़का लोग पहले ज़्यादा पढ़ाई करता था कि अब ज़्यादा करता है पढ़ाई? पहले कॉलेज में ज़्यादा होता था अब होता है? लड़का लोग पढ़ाई पहले बहुत ज़्यादा करते थे। अब ये सब क्या बदमाशी करता घूमता है? नहीं, बस पढ़ते हैं। कम पढ़ते हैं? अब कम ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, ज़रा मन घबराया तो बाहर निकल गए घूमने के लिए। घूमता ज़्यादा है अब आजकल वाला, मोबाइल पे लगा रहता है क्या सब? मोबाइल का तो अब जमाने हो गया, आप तो चाहे लड़का चाहे लड़की सब मोबाइल देखते हैं। ये अच्छा है कि बुरा है? ये तो सर बुरा हो गया, अच्छा भी है बुरा भी है। कैसे बुरा कैसे है? बुरा इसलिए बुरा है कि उस चीज़ को यदि अपने जो चीज़ है उसको हासिल करेगा तब ना, और उस चीज़ को नहीं देख कर दूसरा चीज़ देख रहा है उसमें। क्या सब देखता है? अब वही सिनेमा फिल्मी जहाँ तहाँ पर डांस वांस बहुत सा चीज़ है उसमें। डांस वांस ज़्यादा देखता है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं देखता है? पढ़ाई भी बहुत लड़के देखते हैं, क्वेश्चन जब पढ़ाई इम्तहान आता है तो उसको देखते हैं। सब कोई बड़ा बड़ा नेता वेता भी रहा है यहाँ पे? हाँ, रहे नहीं, फुलगेंदा बाबू नेता थे यहाँ, जो दीनानाथ पांडे को कंधा पर लाश BN कॉलेज से वही खींचे थे। BN कॉलेज से वो लाश जो गोली मारा था ना पुलिस? क्या गोली मारा था पुलिस? हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या मामला था। मामला वही बस से आ रहे थे लड़का तो पुलिस मांगा कंटेक्टर पैसा, तो पहले तो सरकारी बस चलता था यहाँ तो मांगा पैसा, तो पैसे ही में कुछ झगड़े कम बेच दिया इसीलिए बकझक हो गया। उसी पर पुलिस मारा तो पुलिस को इन लोगों ने अधवार चलाया। उसके बाद पुलिस पंजाब नेशनल बैंक से फायरिंग किया और वही फायरिंग जो किया ना जो दीनानाथ पांडे को यहाँ लग गया।
दीनानंद पांडे बीएन कॉलेज के पाया से वो लड़का ऐसे देख रहा था। अच्छा। गोली वहाँ से मारा बल यही उड़ गया। हाँ। वो वहीं लाश गिर गया तो उसको फूल गेंदा वहाँ उठे वही उस लाश को पकड़ के अंदर की। हाँ। कि ऐसे पुलिस उठा के ले जाएगा वही लाश चारों तरफ घूमा। फिर पुलिस का छापा वापा तो नहीं पड़ा? नहीं। अच्छा ये बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी के तो सब स्टूडेंट्स का लीडर्स का इमरजेंसी के पहले जो आंदोलन हुआ और इमरजेंसी के दौरान बड़ा रहा, आप तब यहाँ सर्विस करते थे कि? उस वक्त सर्विस नहीं करते थे, रहते थे यहीं। रहते थे। इन सबको देखे हैं आप फिर, ये सुशील मोदी, लालू, रवि शंकर? एकदम अच्छी तरह। हाँ हाँ। कुछ बताइए उस जमाने का क्या देखे? उस जमाने का ही देखते थे कि बस लीन सुशील मोदी और जमील अहमद, वो सब बस लेके सरकारी बस लेके चारों तरफ असेंबली के चारों तरफ घुमा रहे। सरकारी बस घुमाता था असेंबली के चारों तरफ? हाँ। समझे, ड्राइवर जानते थे। हाँ। वही आंदोलन शुरू हुआ। पुलिस भी खूब आता होगा फिर? हाँ हाँ, पुलिस वुलिस खूब डंटाबाजी चलता था। यहाँ चीने ठौल में लड़कन को मीटिंग होता, जो आज लाइब्रेरी बना हुआ है। हाँ। वो लाइब्रेरी नहीं था पहले, वहाँ मैदान था बना हुआ और मंच था मीटिंगें करने का, भाषण कर। अच्छा। वही लालू यादव सब भाषण देते थे। पहले तो लालू यादव सीएम रहे, अब नीतीश कुमार सीएम है, दोनों यही पटना यूनिवर्सिटी के। कुछ किए यूनिवर्सिटी के लिए? अब लड़का हम कहाँ जानते कि इनकी न की, तो लड़के तो देख ही रहे तो लड़के लोग को क्या फ़ायदा है वो, हम लोग के तो लिए कुछ ना कुछ। तो पिताजी आपके कहाँ से आए थे यहाँ नौकरी करने, ज़िला कौन सा आपका? मेरा ज़िला है, पहले पटना ज़िला था एकंगरसराय, अब नालंदा ज़िला हो गया। नालंदा हो गया। तो अभी क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? अभी हम लाइट जलाते हैं। समाधरी साहब के समय में हमको कहा गया था कि आप लाइट जलाइएगा यहाँ से लेकर भीसी की कोठी तक का, और आपको पैसा मिलेगा। वो 2016 से यहाँ जला रहे हैं और उसके बाद अभी तक एक पैसा नहीं मिला। एप्लीकेशन भी लिख कर दिए हैं तो उस पर ऑर्डर भीसी किया, और इंजीनियर बने बिल बनाए भी नहीं करता। क्या कहता है? सेवा में कुलपति महोदय, पटना विश्वविद्यालय पटना, मानदेय राशि के भुगतान के संदर्भ में सबने निवेदन मुझे फरवरी 2016 में तत्कालीन कुल सचिव द्वारा मौखिक रूप से रोड से लेकर कुलपति निवास तक का बल्ब जलाने का कार्य सौंपा गया था। मैं लगातार इस कार्य को कर रहा हूँ। मुझे मौखिक रूप से काम पर रखा गया था, आश्वासन था कि पैसे का भुगतान होगा। इसकी पुष्टि इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने भी की थी, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं हुआ। मानदेय के भुगतान का ये मामला है परमेश्वर प्रसाद की तरफ से। आप यहीं हॉस्टल में ही रहते हैं तब से? हाँ। अच्छा, यहीं रहते हैं, बत्ती जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, बुझाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन रहता है बताओ भाई, नौजवान सब पसीना बाहर है। कौन कौन मिंटो हॉस्टल में रहता है? सब ये सब मिंटो में रहता है। क्या नाम है आपका? रजत। रजत क्या करते हैं? यहाँ पर मेरा पार्ट थर्ड का यूजी मेरा कंप्लीट हो गया। यार तुम कैमरा शुरू होने के पहले तो बड़ा दबंगई में बात कर रहे थे, ये कितने सेकंड तक ढोंग करोगे ऐसे विनम्रता का? हाँ बोलिए ना। हाँ, तो क्या पढ़ाई कर रहे थे आप यहाँ पे? मास कम्युनिकेशन कर रहे थे। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? थ्योरी अच्छा होता है पढ़ाई, बट यहाँ पर लैब का जो है, लैब का यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर लैब नहीं, लैब का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। क्या पटना यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है? अभी तो ईस्ट का सबसे टॉप है, ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला, मत कहिए, ऑक्सफोर्ड वाले अपने कपाट बंद कर लेंगे। अंग्रेजों ने ना ऑक्सफोर्ड के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया था। इलाहाबाद वाले भी यही बोलते हैं। नहीं लेकिन इसको मतलब, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप हमें पिटवाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं, आप यहाँ पे हैं सुरक्षित है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो भी भाई लोग ही हैं। ये गंगा का वो रूप इलाहाबाद से बेहतर यहाँ पे है, तो जिस तरह तर्ज पे ऑक्सफोर्ड को बसाया गया था टेम्स के किनारे, उसी तरह से गंगा किनारे, यही तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले। तो वो गंगा का साइज जो है ना थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा सा गंगा लग रहा है। गंगा क्या नाम है आपका? मणिकांत। मणि मणिकांत जी क्या करते हैं?
पढ़ाई करते हैं और अभी पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या बात है जी। किस पार्टी से हैं आप? एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी। अच्छा, और आपका क्या नाम है? कुमैल कादरी। कुमैल कादरी, आप यहीं पढ़ते हैं? जी, पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज, हॉस्टल कौन सा आपका? हॉस्टल में हम नहीं रहते, हम सुल्तानगंज में रहते हैं, हॉस्टल अलाउ नहीं करा। हॉस्टल अलाउ जी, लोकल है। लोकल है। अच्छा, तो ये ऐसा कोई चक्कर नहीं कि डेस्क कॉलर, मतलब वैसे तो कोई भी चक्कर नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर, डेस्क कॉलर आ सकते हैं अंदर हॉस्टल में कभी भी? जी हाँ। आप क्या हॉस्टल के अंदर बाहर का अलाव कोई नहीं है, केवल हॉस्टल के लड़के ही आते हैं या हॉस्टल के लड़कों की इजाजत से? हाँ, हॉस्टल के लड़के इजाजत से। जैसे हम आ गए? नहीं, वो बात नहीं। आप है? आपको तो हम लोग देखना चाह रहे थे जब से सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार हुआ। जय कुमार, तुमको गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं सर। ये रेकलेस लिखा है तुम्हारे इधर, क्या मतलब होता है इसका? गुस्से वाला। गुस्से वाला, गुस्से वाला। पर तुम गुस्से वाले कहाँ, तुम तो गुटके वाले हो। नहीं, गुटके वो पानी आयरन के चलते हुआ है। आयरन के चलते हुआ, नेपाल मेरा घर हुआ, नेपाल के साइड में। अच्छा, आयरन के चलते। हाँ। कत्थे का निशान बन गया। वो परसों आई है ना, तो वहाँ का पानी में थोड़ा आयरन रहता है, आप नेपाल तरफ गए हो। कत्थे का निशान बन जाता है दांत पे। अब वहाँ का पानी आप अगर चाहिए चेक किया तो आपको खुद पता चल सकता है। क्या जर्दा होता है उसमें? नहीं, उसमें आयरन रहता, पानी में आयरन ज्यादा रहता है वहाँ का। दांत गंदा हो जाता है? दांत गंदा होना और दांत पे कत्थे का निशान होना दो अलग अलग चीज है। जी जी। तो ये क्या है, क्या नाम है आपका? सुधांशु झा। सुधांशु, आप क्या करते हैं? जी, ये पूर्व महामंत्री हैं शायद। जी जी जी। हाँ, पूर्व। और ये पूर्व अध्यक्ष हैं, इधर आइए जी, आगे आइए। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु भारद्वाज। आप पूर्व अध्यक्ष, एक ही टाइम पे थे आप लोग? हाँ, मैं जब मैं अध्यक्ष था तब ये जनरल सेक्रेटरी थे। आप किस पार्टी के? एबीवीपी। अच्छा, आप भी एबीवीपी के हैं? यहाँ सर एबीपी जीतता क्या, सब लोग कहेंगे एक ही पार्टी का जुट गया? ऐसा कुछ नहीं है। आप किस पार्टी के हैं? हम तो विद्यार्थी परिषद में थे, विद्यार्थी परिषद से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इंडिपेंडेंट ही चुनाव जीते थे। बागी हैं ये आपके संघ? नहीं नहीं नहीं, मेरा दिलचस्प कहानी है। जिसमें चुनाव लड़ रहे थे ना, उस समय हम प्रेसिडेंट का कैंडिडेट थे एबीपी की तरफ से, तो किसी अच्छे दोस्त मेरा बहुत ज़्यादा है तो मेरा अटेंडेंस प्रॉब्लम करके चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, समझे? तो हम ये आए और मौका भी था और लोगों ने इनको मैंडेट भी दिया। हाँ, और एबीवीपी को हरा के ये बन गए थे? नहीं, एबीवीपी को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, एबीवीपी के लोग ही इनको जिताए थे। एक भोजपुरी में हरा कौन था? अब कहावत एक है, अब तो हम बोलना नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं, बोल दीजिए मणि जी। ऐसा होता है ना कि आपके साथ में रह के लोग जो है ना, जो साथ में घूम फिर रहे, खा रहे हैं साथ में, लेकिन गद्दारी कर रहे हैं। तो उस चुनाव ऐसा हो गया था कि एबीवीपी के लोग, इनको भी पता कि इनको वही लोग जिताए थे। तो गद्दारी कौन कर रहा था? मैंने कुछ लोग जो संगठन की कुछ लोग जो थे ना, उस समय हम लोग भी जांच पड़ताल के सबको पता चला कि एक पद पे जो है ना भारी धोखा हो गया। हाँ, समझे? तो ऐसा धोखा किए तो आपके संगठन का गड़बड़ है ना? ना ना, गड़बड़ नहीं, नहीं। महामंत्री आप जीते जी, अध्यक्ष पे आपका बागी जीता है? नहीं, संगठन का गड़बड़ नहीं था। हाँ, संगठन का गड़बड़ नहीं था। मतलब क्या ऐसा था क्या कि ये ज्यादा लोकप्रिय कैंडिडेट था, इसका टिकट ऐसा है ना, ज्यादा और कम ऐसा कुछ लोग जो है, कैसा ऐसा माहौल बना कि हिंदुस्तान के राजनीति में जातिवाद तो आप अच्छी तरीका जानते होंगे। अच्छा, ये जाति के दम पे जीते? ऐसा कि ऐसा नहीं कि जो ऐसा एक मूवमेंट बन गया, ठीक है ना, यहाँ चुनाव जो होता है, लड़ाई जो होता है ना, तो सब जाति के हिसाब पे होता है। दो तरफ, एक तरफ उधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हो जाता है। हाँ। समझे? और चुनाव ध्रुव के आधार पे बनता है, जाति के आधार पे। तो आप चुनाव में जान ही रहे हैं कि सब चीज विकास का मापदंड पहले जगह पर। मणि जी अपनी लोकप्रियता से महासचिव बने होंगे, पर आप बोल रहे हैं जाति से बनता है। नहीं, सुनिए ना, हम जो बने हैं ना। हाँ। हम जो बने हैं तो हमको छात्र वोट किए हैं, ठीक है, हम अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हमको लोग जो वोट किए ना, ये 1800 से चुनाव जीते रहे, हम 2315 वोट लाए अपने। वो चुनाव एक समय था, इसी साल में दो चुनाव हुआ और फिर हम लोग भी आए। और चुनाव लड़ने से पहले बहुत कहानी, बहुत मुकदमा भी झेलना पड़ा, जो कर्म कभी जीवन में नहीं। एक मुकदमा? सरकार तो आपका है, कितना दर्द, अब कितना मुकदमा है, ऐसा कैसे करके हम लोग पहुँचे हैं। मैंने कर कोई रहा है लेकिन नाम आ जाता था, मणिकांत मणि कहीं हो रहा है लेकिन नाम आ जाता। कितना मुकदमा है ऊपर? तकरीबन 20 होंगे। हाँ? क्या मैं इस वक्त एक हिस्ट्री शीटर के साथ खड़ा हूँ? नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। हिस्ट्री शीट नहीं है? नहीं, दर्ज है। मूवमेंट 3 बार जेल जाना पड़ा छात्र मूवमेंट में। आप छात्र नेता है, ये छात्रों के लिए काम करते हैं। और तुम क्या करते हो? हम तो इनके शिष्य हैं, इनके भाई हैं छोटे। शिष्य हो कि भाई हो? दोनों हैं इनके, इनके राहों पे हमें चलना है। ये ओरिजिनल छात्र नेता है, ये इनके ऐसा छात्र नेता आज तक हम देखे ही नहीं।
नहीं देखे हो। और इन्हीं के पक्ष पे हम चलना चाहते हैं। क्या क्या देखे हो तू? और क्या देखेंगे मतलब क्या क्या देखे हो तुम जो बोलो इनके जैसा नहीं देखे? ये जो विद्यार्थियों के लिए किए ना उनके जैसा कोई नहीं किए। यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ करते थे, मगध महिला का फी कम करवाए हैं, मैट्रिक का रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ उसके चलते भी चोट पुट लगा थोड़ा इनको, जिसके चलते बिहार बोर्ड का हड़ताल किए थे, बीएड का भी अथी करवाए थे, फी कम करवाए थे। हाँ ये मोदी जी हैं क्या पटना यूनिवर्सिटी का? पटना यूनिवर्सिटी के मोदी हुए जो समझिए यही है। हाँ और कोई हम नहीं मानते हैं। अच्छा यहाँ अगर नीतीश कुमार भी आ जाए तो हम इनको जर्जा देंगे ना कि उनको देंगे। हाँ। ये तुम्हारा बहुत गजब का चेला है। नहीं नहीं भाई होते हैं, भाई है। अभी तुमने कहा शिष्य है वो, ये इसका ये बरप्पन है। हॉस्टल में कोई शिष्य नहीं है, सब एक दूसरे का भाई है। मुझे तो मिंटो की परंपरा नहीं पता, मैंने तो इन्हीं ने कहा कि मैं इनका शिष्य हूँ। अगर हम इनके जूनियर हैं तो हम मान सकते हैं कि इनके शिष्य हैं। ये किस तरह देखते हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है ना। छोटे भाई हम लोग इनके पाले में चलाएंगे, मानते हैं हम इनको शिष्य, मतलब गुरु मानते हैं हम, शिष्य अपने आप को मानते हैं। अच्छा तो शिष्य हैं कि नहीं है आप? शिष्य देखिए एग्जाम्पल डेफिनेशन होता है किसी से किसको कहते हैं। अगर हम इनको अपना गुरु मानते हैं, अगर ये हमको अपना छोटा भाई मानते हैं, गुरु किसको कह सकते हैं? अगर किसी से हम कुछ सीखते हैं तब उनको गुरु कह सकते हैं। आप मणिकांत जी से जिन्होंने आप लोगों के हित के लिए 20 मुकदमे झेल रखे हैं जी, क्या आप उनको अपना गुरु मानते हैं? हाँ गुरु मान सकते हैं। हाँ गुरु मानते ही हैं, मानते ही हैं, मानते ही हैं। आइडियल है हमारे, आइडियल है, आइडियल। अच्छा बताइए कैसे आइडियल है? ये पॉजिटिव चीज कैच करते हैं, नेगेटिव कैच छोड़ देते हैं, नेगेटिव छोड़ देते हैं, इधर से पॉजिटिव इधर आता है तो यहाँ तक जाता है। यार तुम अद्भुत हो, तुम आगे आओ जरा। नहीं नहीं रेकलेस बताओ और कुछ इनके बारे में। इनका स्वभाव बहुत अच्छा। नहीं गर्लफ्रेंड अभी नहीं, छात्रों के बीच रह के छात्रों के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि गर्लफ्रेंड के पाले में पढ़ के बस बाबू सोना करना चाहते हैं। बाबू सोना जो आजकल का कल्चर चल रहा है वो क्या कल्चर है आजकल का? ये आजकल का कल्चर देख रहे हैं, घाट का आप देख लीजिए, दिन में चले जाइए। हाँ, क्या होता है? बहुत गंदा स्थिति जो घाट का चल रहा है वो तो नीतीश कुमार जी हमारे बाबू नीतीश सरकार बना दिए घाट पे। हाँ। कि सुंदर रहना चाहिए लेकिन वहाँ का जो माहौल जो अब खराब होते जा रहा है। क्या खराब हो रहा है? विस्तार बताइए। फैमिली नहीं घूम सकता ऐसा माहौल हो रहा है अब, जोड़ेदार एकदम दोपहर के टाइम में अब वो बता नहीं सकते कैमरा पे। क्यों कैमरे क्यों नहीं बता सकते? अब इतना फ्रेंकली बताना, अरे बता, मेरा भी फैमिली है कोई देखे। हमारे फैमिली कहेगा ना देखो बच्चा कितना संस्कारी है। हाँ बताओ क्या होता है घाट पे? बहुत सारे जो गलत व्यवहार हो रहे हैं बहुत सारे, और मारपीट भी बहुत सारे अब घाट पे बाहरी छात्रों की तरह होने लगे। अब प्यार भी होता है, मारपीट हो रहा है। अब दिन में देखिए कुछ गलत तरीका, हम लोग भी बहुत बार देखे हैं, कुछ फैमिली मेंबर भी आए थे तो हम लोग को घाट नहीं घुमाना पड़ा, देखे कि बहुत गंदा स्थिति चल रहा है घाट पे। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ, खुल के बताइए आप। क्या घाट पे क्या कपल का जो तोता मैना वाला रोल चलता है वो क्या बताए चलता है? वही तोता मैना वाला रोल कुछ आजकल माहौल कपल का तोता मैना वाला। हाँ वही रोल आजकल घाट का माहौल खराब किए हुए। अच्छा और तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? अरे हम लोग जो पढ़ते पढ़ते जो लाइट कट जाता है कभी कभी तो घूमने फिरने चले जाते हैं घाट में। कौन सा लाइट कटता है? कटता है, कटता है, यूनिवर्सिटी का लाइट कभी भी कट सकता है। गर्मी का माहौल है तो घूमने निकल जाते हैं, थोड़ा घूमने निकल जाते हो। इधर हम लोग छांव छांव पढ़ते हैं, कभी भी आप दोपहर में आइए ना तो कभी आपको धूप तो नजर नहीं आएगा। छांव में तो प्रेमी जोड़े दिखते हैं। हाँ बहुत सारे नजर आते हैं। हाँ तोता मैना करते हुए। अब फैमिली के लिए क्या आप आ नहीं सकते हैं? घूम नहीं सकते वही माहौल। रेकलेस तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनेगा तो कहाँ जाओगे? नहीं हम जो एक बार गर्लफ्रेंड का चक्कर में नहीं है, मुझे पढ़ाई करना है कुछ पढ़ाई। हाँ भैया का आइडियोलॉजी पे चलना है। भैया का आइडियोलॉजी क्या? तुमने अपने सब फॉलोअर्स को बोल रखा है गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है? देखिए वो कुछ चीज़ों को जो है ना आदमी ऐसा है कि जब पढ़ रहे हैं तो जिस चीज़ को पहले कर रहे हैं पहले उनको करना चाहिए। और ये जो बता रहे हैं कि हर चीज़ करने का एक तरीका होता है, जो घाट पे बना है तो ऐसा ऐसा दृश्य हो जाता है, अश्लील होता है। देखिए कंप्लेन हम लोग करते भी है, जो चीज़ को जो चीज़ों को जरूरत नहीं है ऐसा ऐसा हरकत हो जाता है। जो एक सिस्टम होता है किसी भी चीज़ करने का उसको उस तरीका से करना चाहिए, लेकिन कुछ खुलेपन ज़्यादा हो जाता है ना जिससे परेशानी होता है। इसके खिलाफ तुम आंदोलन नहीं कर रहे हो? हाँ हम भैया के साथ हमेशा, भैया आंदोलन करना चाहते हैं हम उनके साथ रहेंगे। भैया करना चाहते हैं कर नहीं रहे। और दूसरी बात लिख के दिए हैं कि बाहरी को जो है ये ताजमहल नहीं है, शैक्षणिक जगह है, यहाँ शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे पढ़ने लिखने का माहौल होना चाहिए। तो जो जगह है बहुत सारे जगह है जहाँ पर कोई मना नहीं है, यहाँ स्टूडेंट आए हैं सब तरह से लोग हैं और ये माहौल ठीक नहीं है। हम लोग लिख के बार बार दे भी रहे हैं कि बाहरी लोगों को प्रतिबंध किया जाए, पर वो तो गंगा का किनारा है ना। तो गंगा किनारे तब पार कहाँ से कर रहे हैं?
यूनिवर्सिटी से होके जाते हैं। हाँ तो गंगा किनारे है तो पार कहाँ से कर रहे हैं? कभी तुम लोग को अपने हॉस्टल का भी कोई लोग मिला है वहाँ पे? नहीं, मेरे हॉस्टल का तो नहीं मिला है। यही मिला है। क्या नाम? अरे आगे आगे आओ भाई। हाँ क्या नाम है आपका? सेशन पूछिए। क्या सेशन है आपका? मुकेश ऐसा शर्मा नहीं यार। क्या नाम? मुकेश। क्या पढ़ाई करते हैं? अभी एक हिंदी ऑनर्स है। हिंदी का पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल भी देखेंगे। हाँ, यहाँ का सेशन तो सबसे अच्छा है पटना यूनिवर्सिटी का सबसे। और जो यूनिवर्सिटी में हो जाता है ग्रेजुएशन? हाँ, यहाँ पे एकदम तीन साल में हो जाता है। मिनिमम अढ़ाई साल में। अढ़ाई साल में हो जाता है। आप साल सेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड। आप लोग प्रॉमिस किया था कि आप लोग नॉवेल्टी की तरह चिल्लाएंगे नहीं, है ना? तो तीन साल का सेशन ढाई में कैसे होता है? कहना ये था कि एग्जाम जो है ना, रिजल्ट आते आते तीन पुल जाता है। एग्जाम जो है ना, समय से जो है ढाई साल जो बोला है ना, तीन साल तक में रिजल्ट, यहाँ से तीन साल तक में रिजल्ट आने के बाद जो है कम्प्लीट हो जाता है। सेशन हमारे विश्वविद्यालय के पूरे बिहार में। क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे रेकलेस? हम इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं हम। कौन से ईयर में हो? अभी बीए पावर थर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिर आगे क्या इरादा? आगे जेएनयू और बीएचयू का डाले हैं फॉर्म। जेएनयू और बीएचयू का फॉर्म डाला है? वेरी गुड। और सब लोग हैं, सब हाँ, उनसे भी बात करेंगे। बहुत तसल्ली, और घंटा तो घंटा हुए। एक बात नीतीश कुमार जी, हमारी सरकार जो है, हाँ। मुख्यमंत्री साहब, उनके लिए कहना चाहेंगे, आप यहाँ, आपको वातावरण यहाँ का कितना शांत लगा। बहुत अच्छा। आप यही सोचिए, आप इस पीछे से एक ओवर ब्रिज बनेगा, है हमेशा गाड़ी जाएगा तो पैंपू, जो वातावरण गंदा होगा वो कैसा लगेगा आपको? सही बात है। हम लोग मना कर रहे हैं सर को कि नीतीश कुमार जी को यहाँ से मत निकालिए, आप कहीं और। ये हॉस्टल का, कॉलेज का माहौल है, यहाँ शांत वातावरण चल रहा है। 1907 से इधर हेरिटेज बिल्डिंग को आप बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो जो है अपने जो पैसे की आमदनी जो है वो उन सब पे अपना काम निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि पटना के ऊपर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आप इधर से निकाल रहे हैं, फिर उधर से निकाल रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से। यहाँ के छात्र अवरोधक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पटना विश्वविद्यालय कीमत पे भी तो विकास, जो सड़क यहाँ से जो निकल रहा है, तो छात्रों का सही डिमांड है कि जो आप जो देख रहे हैं ना, इसके पीछे रोड है और ठीक पीछे में तीन महिला छात्रावास है। ये तमाम बिल्डिंग हेरिटेज घोषित है। जब हम लोग बात करते हैं कि नया बिल्डिंग बनना चाहिए, नया क्लास शुरू हो, तो हमारे तरफ भीसी महोदय से कहते थे कि हम लोग के पास पैसा ही नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार 20 फीट अगर वो पुल बनाते हैं तो 20 फीट इधर टूटेगा, 20 फीट उधर टूटेगा, तो जो हॉस्टल है टूट जाएगा, फिर बनने का चांस नहीं है। हम लोग एक डिमांड करके रखें कि इसी रास्ते को, बिल्कुल सही बात है कि ट्रैफिक का दबाव कम हो, आगे NIT रास्ता बना हुआ है, उस पर ही ओवरब्रिज बनवा दिया जाए। सवा हम लोग इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जैसे पटना में या दिल्ली में JDU और BJP सब मिल के चलता है ना जी, पर यहाँ पे हमको पता चला कि इस बार जब चुनाव हुआ था तब JDU अलग लड़ रहा था, उसका छात्र संघ, और ABBP अलग लड़ रहा था। कुछ तनाव मार ये सब भी हुआ था। देखिए, बिल्कुल हुआ था। तो कैसे मैनेज करते हैं? ऊपर सब नेता लोग आप लोगों का साथ तो है। BJP चुनाव नहीं लड़ रहा है। लड़ चुनाव ABBP रहा है। BJP का कोई सपोर्ट नहीं होता? BJP सहयोगी संगठन है, चुनाव वो लड़ नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव आप लोगों का क्या लाइन है इस पे? हम लोग का क्लियर लाइन है कि ABBP चुनाव लड़ रहा है। इस बार भी हम लोग लड़े चुनाव, हम लोग 3 सीट चुनाव जीते। कौन सा हारे? एक प्रेसिडेंट से एक कोषाध्यक्ष का पद जो है। सब लोग बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर ने बड़ा दखल दिया, सही बात है? अरे वो छात्र राजनीति को गंदा कर दिए हैं। अच्छा। और उनको यहाँ से जो है, उनको बहुत शौक था चाणक्य बनने का, तो चंद्रगुप्त यहाँ के लोग ही बने और उनको चाणक्य ऐसा बना के नीतीश कुमार उड़ा दिए, हवा में उड़िया गए हैं। आजकल ढूंढाने बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जो भी हुआ, लेकिन जब भाजपा के 3 विधायक फिर बहुत थाना में ABBP के लिए धरना पे बैठते, उस समय भाजपा इनका समर्थन नहीं कर रहा। जब बोल रहे हैं ABBP चुनाव लड़ रही है, तो आप प्रशांत किशोर के साथ है? नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं, में नहीं, 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 मैं ABBP में था, परित्यक्त कर दिया हूं ABBP को। तुम्हारे यहाँ से बागी बहुत निकलते हैं। नहीं, स्वभाव विद्रोही स्वभाव से आदमी को होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। उनको हम लोग बुलाए नहीं थे, 3 लोग आए थे और गए भी अपने, हम लोग खुद सक्षम थे करने के लिए। वो लोग आए, उनका था प्रेम प्यार, तो इनके लिए हम लोग उनको प्रेम प्यार में आए। जब सुशील मोदी जी भाजपा के संगठन महामंत्री, उप महामंत्री, सारे लोग मंडल कमंडल का मीटिंग लेते हैं, सारे गर्ल्स हॉस्टल को, सारे वार्ड परिषद को पर्चा दिया जाता है, संघ के 100 गो शाखा पटना में लगते हैं, सारे
शाखा में पर्चा दिया जाता है। सब पोल खोले दे रहा है। बिल्कुल सही, उनका सुनिए बात को ना, सही कर रहा है ना। सहयोग अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जैसे जदयू राजद या विभिन्न दल है वो अपने अपने झंडा को लेके और जो पॉलिटिकल पार्टी है डायरेक्ट वो चुनाव में उतरती है, बट एवीवीपी बीजेपी के फॉर्मेशन से पहले से एवीवीपी वर्क कर रहा है भारत में वर्ष 1949 से। अच्छा। और हम लोग विद्यार्थी परिषद के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के बैनर तले नहीं लड़ते हैं। और भाजपा जदयू में गठबंधन सहयोग देती है। हाँ, भाजपा जदयू में गठबंधन हो सकता है बट विद्यार्थी परिषद और जदयू में गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं, तो इसलिए ये क्लैरिटी है जी। तो एक बात बताइए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आप में से किसका किसका वोट बना हुआ है, हाथ उठाइए जरा। जैसे मेरा बना है जी। रेकलेस तुम्हारा बना है? हाँ बना है। तो क्या है मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव का? आपके पास तो अथाह ज्ञान है, अब कितने मिनट में आप ज्ञान देंगे ये बताइए। हमको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बोलेंगे, यूनिवर्सिटी पर वो तो आप बोल चुके हैं पिछली बार। और क्या पूछना चाहते हैं हमसे आप? मैं पूछ रहा हूँ इस लोकसभा चुनाव में क्या अहम मुद्दे हैं? इस लोकसभा चुनाव में हम खोजने का प्रयास करते हैं कोई नेता शिक्षा पे बात करे, प्रैक्टिकल शिक्षा पे बात करे, ग्राउंड लेवल पे। हम इंतजार करते हैं कौन बोल रहा है शिक्षा पे, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, किसी के मुंह से शिक्षा पे बात नहीं निकलती है जी। बताइए क्या कहना चाहते? देखिए सर, सबसे भारत के लिए दुर्भाग्य का 2019 का चुनाव सबसे दुर्भाग्य का चुनाव हो रहा है। 2014 का जो चुनाव हुआ रोजगार के मुद्दा पे हुआ, चाहे कांग्रेस रही, जदयू रही, भाजपा रही, सारे ने मुद्दे की बात करी, लेकिन 2019 का जो चुनाव है नरेंद्र मोदी, ये सीधा उग्र राष्ट्रवाद पे चुनाव हो रहा, कहीं मुद्दे की बात ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है। तो ये ऐसा बात हो रहा, तो कांग्रेस के लोग भी इंदिरा को याद करेंगे, राजीव गांधी को चोर बता दिया जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने, उनका नाम आया होगा, लेकिन वही राजीव गांधी 1985 में नवोदय विद्यालय की स्थापना करी, तो आज लाखों लाखों इंजीनियर IITian मेडिकल के छात्र नवोदय विद्यालय से निकले। और एक राजीव गांधी का सबसे अच्छा जो क्यूट था, उन्होंने कहा था कि उनका स्लोगन था, अच्छा कोट था, उन्होंने कहा था कि भारत औद्योगिक क्रांति को भूल गया, उससे पीछे छूट गया, लेकिन भारत को कभी भी कंप्यूटर क्रांति से पीछे नहीं रहना चाहिए था। उन्होंने भारत को कंप्यूटर दिया, यही लोग उस समय कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे कि भारत का लोग बेरोजगार रह जाएगा। आपका बात आ गया। हाँ, जी, ये हाँ। कहे कि मुद्दा पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं है? और कहां मुद्दा पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? विकास बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव हो रहा है। 5 साल में जो चेंजेस आया है देश के अंदर, जो मानसिकता बनी है लोगों की, वो आज से 5 वर्ष पूर्व देखिए, यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं सबके पास आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। आज से 5 साल पहले भी भारत में स्मार्टफोन बनता था और स्मार्टफोन लोग यूज़ करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं। सर तो आज लोग ये कहते हैं कि इसमें सवाल तो सुन लीजिए जी, कई लोग कहते हैं इसमें सरकार का क्या योगदान, वो तो टेक्नोलॉजी आगे जैसे जैसे बढ़ती है, हैं तो वो ठीक है, सरकार का योगदान जो डाटा सस्ता मिल रहा है आज आपको, तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है? नहीं नहीं, मोदी ने किया, लेकिन पॉलिसी तो है सरकार के पॉलिसी के तहत। तो बताइए, जो आज 152 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बना है, के लिए उनको श्रेय देता हूं, डेटा सस्ता जी, डेटा सस्ता है, लेकिन जो डाटा है जी, रोजगार का, गरीबी का, NSS वाला जो डाटा, NSS वाला, वो डाटा क्यों नहीं रिलीज? भारत में जब से चुनाव हो रहा है तब से मुद्दा यही होता है, रोजगार, बेरोजगारी। आप बड़े नेता बनेंगे? नहीं नहीं, एक तो मैं भविष्यवाणी करने से बचता हूँ मणि जी, जी जी, पर ये बड़े नेता बनेंगे, बिल्कुल है ही। बड़े नेता है ही, सॉरी गलती नहीं, 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 सर, नहीं, आप नहीं। बड़े नेता है और बड़ा नेता नहीं, बनेंगे। बड़ा नेता का एक ही पहचान होता है, कोई भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सवाल कुछ पूछा जाएगा, जवाब खुद देगा। नहीं नहीं, जवाब सुनिए, जवाब अपने मतलब, जवाब अपने मतलब का, वही मेरा तात्पर्य। छात्रों को लोकसभा चुनाव में वो ये चाह रहे हैं, हाँ। तो जिस जमीन पे आप खड़े हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, दर्जा दिया जाए, ठीक है, यहाँ तो दर्जा ये कौन देगा? ये सरकार देंगे। किसकी सरकार? जो राज्य सरकार है, यहाँ से वो रेजोल्यूशन पास करे, केंद्र सरकार को कहे, वो देंगे। तो पर केंद्र में तो आपका सरकार, तो फिर आप ये प्रोसेस तो ना चलिएगा, हाँ। कि जो तो आप लोग सुशील मोदी वगैरह को नहीं, सबको, ये लड़का 10वां पास किया और हमारा प्यारा है, इसको हम बोले चल IAS बनो, ये है ग्रेजुएशन करेगा, तो इस प्रोसेस से ना कि आप राज्य सरकार को इस चीज को जरूरत है कि वो विधानसभा से रिजर्वेशन पास करके, राज्य सरकार का हिस्सा है ना, तब हम लोग भाजपा राज्य सरकार का हिस्सा है, आपने भाजपा के मंत्रियों से, हम ठीक, हम जाकर ज्ञापन भी दिए हैं, हम लोग कर रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं फाइल को, संहिता के कारण जो है कुछ चीजों पर हम लोग भी खामोश हैं, लेकिन जैसे बिहार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? हाँ, 3 यूनिवर्सिटी अभी तक, फिर इधर मिला 2 है, ठीक है ना, एक एग्रीकल्चर पूसा है, एक मोतिहारी हो गया, एक गया हो गया, ठीक है,
ये तीन और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि डेटा सस्ता हुआ, डाटा को लेके बहुत इल्ज़ाम लगता है सरकार पे कि नोटबंदी का डाटा रिलीज नहीं किया है, और जो कहा लोग, जाता है जो कि लोग, जो गरीबी और बेरोजगारी का डाटा है, एनएसएसओ जो सरकार की संस्था है, जो लोग ये कहते हैं कि नोटबंदी का डाटा नहीं रिलीज किया जा रहा है, वही लोग ये भी कहते हैं कि 99% नोट जो है वापस आ गया। तो अब ये तो आरबीआई का रिपोर्ट दिया है, ठीक है, तो आरबीआई का रिपोर्ट सरकार का रिपोर्ट नहीं है। लक्ष्य पूरा हुआ नोटबंदी का? लक्ष्य पूरा कैसे नहीं हुआ? पूरा हुआ है, कुछ हद तक पूरा हुआ। कैसे? जैसे जो देखिए, इसमें नोटबंदी से गरीब लोगों को परेशानी उतना नहीं हुआ, वो तो आप अगर सड़क पर जाकर आप लोग भी पता करते होंगे, जो जमा कर रखे थे अपना अलमीरा में जमा कर रखे हुए थे, तो उनका अचानक जो है उनको जो है ना चांद नजर आ गया, अब क्या किया जाए। ये तो है, उनको चांद नजर आ गया, और गरीब लोगों को इससे कोई दिक्कत, क्योंकि वो कभी उतना देखे ही नहीं थे, वो तो देखे ना, वो जमा कर रखे थे। पर विपक्षी ये पूछते हैं कि क्या आप काला धन खत्म हो गया है? तब विपक्षी को कोई है, उसको कुछ काम छोड़ा है, तभी बताइए कभी जो चोर शब्द का प्रयोग कौन किया? जाके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग लेना, कोर्ट से माफ़ी मांग लेना कि हम फॉलो में बोल दिए, मन हो गया। तो कुछ चीज़ों को जो पॉलिटिक्स आज का जो चल रहा है, तो कुछ हद तक नकारात्मक चल रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। किसने किया ये नकारात्मक? सभी दल ने किया है, सभी दल ने। अभी आप देखिए कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर एक पार्टी, एक ही पार्टी नहीं, सब नचनिया गवनिया को तैयार करके आई है, नचनिया गवनिया को। तब आप फिल्मी अभिनेता को क्या कहिएगा? तो पर उसको सब पार्टी टिकट दे रहा है, इसीलिए ये तो गलत बात है ना, कि जो इसके नहीं, ऐसे लोग को देना चाहिए जो, अब उनको क्या पता जनता का दुख दर्द, वो कभी कलाकार है ना, फिर कलाकारी से उनको ऐसो आराम एसी से निकले हैं बाहर। इस देश में 90% गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, तो उनका दुख दर्द जो उनके बीच के लोग वही ना समझेंगे, वो तो कभी इधर आएंगे नहीं। जैसे चुनाव समाप्त होगा, पार्टियां फिर इनको क्यों टिकट दे देती हैं? यही तो आप ही लोग तो क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, कैसे लोग को क्यों मौका मिला जा रहा है? ऐसे लोगों को, आप ही मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो ऐसे लोगों को, अरे मीडिया का क्रिटिक हो रहा है, थोड़ा तो आप लोग सही चीज को दिखाइएगा कि सही समाज कैसे आगे। जैसे हम लोग सवाल पूछते हैं ना, जैसे मेरी जिन नेताओं से बात हुई, तो हमने पूछा कि आप ये फिल्म नेताओं को क्यों टिकट देते हैं, तो बोले उनको जनता का समर्थन, जनता का समर्थन, जनता चेहरा देख के जो है ना वोट कर देता है, लेकिन वो जनता का मास लीडर नहीं हो सकते हैं। वो किसी के फेस पे चुनाव जीत लेते हैं, समझे, लेकिन वो मास लीडर नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग चुनाव भी जीते, लेकिन कहाँ आज है, बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, आप ऑलरेडी एक लीडर हैं, क्या सुझाव है आपका? अभी हम छात्र नेता हैं, छात्र नेता, अरे हाँ, कोई एक मकाम तक पहुँचे ना। जी जी जी, तो आपका क्या सुझाव है? बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? देखिए हमारा सुझाव, मंच वाला नहीं, पक्का वाला दीजिए। देखिए हम जो चाह रहे हैं, देखिए सर आप, हम काम से ही हमारा पहचान है, इसीलिए कहा ना, ठीक है, काम वाला। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो राज पिछड़ा है, यहाँ शिक्षा का स्थिति इतना बेहतर कर दिया जाए कि हमको तकलीफ न, अगर रोजगार एक शिक्षा मिल गया तो शिक्षा बेहतर हो, रोजगार एक शिक्षा मिल गया तो जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा। उत्तर भारत का एक समस्या है कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, उत्तर भारत का, सिर्फ बिहार का ही नहीं समस्या, उत्तर भारत का समस्या है। माइंड सेट जो बना के रखा है, जो रोजगार, आप हमारे राज्य में 24 यूनिवर्सिटी है, सभी तरीके से 24 यूनिवर्सिटी है, आबादी 11 करोड़ है, लेकिन हमारे राज्य में जहाँ पर बोला जाता है कि ज़मीन है, पानी है, वहाँ पर अनाज अच्छा हो सकता है, लेकिन आज हमारे राज्य का क्या स्थिति है? कि अचानक पानी आता है तो पूरा बाढ़ में फंस जाते हैं। ज़रूरी है कि उसको नहर में तब्दील किया जाए। 8वां से लेकर 12th तक किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सभी शिक्षक, कोचिंग माफिया जो है, कोचिंग माफिया जो है आज जो है ना, क्योंकि जो उनके जो लड़के के जो गार्जियन है, वो देख रहे हैं कि हमारे दादाजी तो 52 बीघा थे, हम आ गए 11 बीघा पे, अब हम क्या अपने बच्चों के, इसलिए ज़मीन जगह बेच के जो है कि सोचते हैं कि बेहतर शिक्षा लें, और ज़मीन जगह बेच के कोचिंग माफियाओं को पैसा जमा करता, रिजल्ट जीरो, प्राइवेट फिर भी कोचिंग। बिहार बोर्ड वाले रिजल्ट अच्छा नहीं देते, उनके जो पढ़े होते हैं उनको नंबर अच्छा नहीं आता, जो रिजल्ट दे के एग्ज़ाम आते हैं उसका अच्छा नंबर नहीं आ पाता। किसका अच्छा नंबर आता है? जो नहीं पढ़े रहते उन लोग का अच्छा आ जाता है। यहाँ बिहार में एजुकेशन को सुधारने के लिए दो तीन चीज़ करना है। पहला जो 1 क्लास है या क्लास चलता है उसको नर्सरी KG 1 KG 2 करना चाहिए। दूसरा इंग्लिश कंपलसरी करना चाहिए, जो बिहार सरकार या बिहार में ये चीज़ का नहीं है। इंग्लिश बिहारी स्टूडेंट का कमज़ोर रहता है, जो CBSE वाले 60% 70% 90% 99% लाते हैं, उनके एवज में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 60% 65% एवज बहुत ज़्यादा 75% जाता है, तो उनका मार्क्स भी कम आता है, जिसके कारण उनको अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता।
जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिसी है, सबसे पहले इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए। इस 2019 का चुनाव हो रहा था तो बिहार में का जो रिजल्ट था दसवां का बर्मा का पहले घोषित कर दिया गया, अच्छा रिजल्ट दिया गया, अच्छे लड़कियों को पास कराया गया क्योंकि हमें वोट ज़्यादा मिले उन लोगों का। वोट ज़्यादा मिले। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय यादव जी। आप पूर्व छात्र नेता हैं? जी। छात्र नेता, छात्र हैं, नेता नहीं हम लोग। नेता नहीं है। कितने पूर्व हैं? कितने वर्ष पहले थे? मतलब एक दशक। एक दशक, हाँ। तो आप लोगों के जमाने में तो सब यहाँ इलेक्शन वगैरह होता था? नहीं, उस समय वो चुनाव बंद हो गया था, कई आपराधिक घटनाएं पूर्व में हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद से रोक लग गया था। यूनिवर्सिटी आपराधिक घटनाओं का अड्डा कैसे बन जाता है, क्या मैकेनिज्म होता है? मैकेनिज्म ये है कि एक तो जो लड़के यहाँ पढ़ने के लिए जो आते हैं गाँव से, तो उनको सीनियर उतना अच्छा गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं, और बशर्ते जो भी राजनीतिक दल जो अभी हमारे देश में है या पूर्व में जो थे वो उनका ज़्यादातर मिसयूज करना जानती है। और उसी में वो क्या होता है कि एक पंक्ति है कि निकले थे कहाँ जाने को, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का पता मालूम नहीं। तो कोई माँ के गर्भ से तो अपराधी बनने के लिए आते नहीं है, तो संगति में जो उनका है वो पद, एक बार वो वन वे स्ट्रीट पे चले जाते हैं और फिर वो दोबारा वापस लौट नहीं पाते हैं। ये हमने ये सब लोगों का जो शिकायत है इतना, मतलब जो बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है उसको लेके इतना ज़्यादा शिकायत है, तो पटना यूनिवर्सिटी की बदहाली की या बिहार में उच्च शिक्षा की बदहाली की क्या वजह लगती है आपको? इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, इसके लिए ना कोई सरकार जिम्मेवार है और ना कोई तंत्र, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। जैसे ऑक्सीजन का होना सबके लिए ज़रूरी है, तो जैसे हम अपने बहन का ख्याल रखते हैं, हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो अभी इस यूनिवर्सिटी के अभी हमारे जो वाइस चांसलर हैं इसी हॉस्टल के प्रोडक्ट हैं। अच्छा। और इतने गरीब, रास बिहारी सिंह, डॉक्टर रास बिहारी सिंह। हाँ। काफ़ी मेधावी छात्र थे और इतने गरीब परिवार से आते थे, सामान्य परिवार। उस समय मतलब कम्युनिकेशन का भी, बांका जिले में उनका घर है, जो अपना आप बीती हम लोगों को सुनाते हैं जब हम लोग पटना कॉलेज में पढ़ते थे। तो सोच लीजिए कि अगर एक घर का लड़का अगर उस घर में वो कमाने वाला बन जाता है और फिर भी उस परिवार का दयनीय स्थिति होता है, तो या तो उसके नैतिकता पर सवाल होता है या परिवार में सामंजस्य नहीं है। सर, हमारे यहाँ अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है पटना यूनिवर्सिटी, और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें सेशन इतना लेट चलता है। हमारा पहचान क्या है? हम युवा हैं, और वो युवा ही क्या जो राष्ट्रवादी ना हो, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। दो चीज़ मिक्स कर दिया, आप मांग कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, फिर आपने उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। सर, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे हमारी पढ़ाई अच्छी होगी तभी तो हम राष्ट्र, उसका राष्ट्रवाद से क्या संबंध है बताते हैं ना। हाँ। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, वरना आप अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तब भी सोच सकते हैं, पर हमारे उसका नेशनल यूनिवर्सिटी के दर्जे से क्या लेना देना है। इसका कहना किया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ना बिहार में, जो नौ स्टेट यूनिवर्सिटी शिक्षक है ही नहीं, वो लोग राष्ट्रवादी नहीं है ना। वो हम नहीं करें, पहले बात तो सुने जन, आप तो हमको घोषित कर रहे हैं कि नहीं है। मणि जी, मैं पहले कह चुका हूँ आप सब लोग बड़ा नेता है, मैं इस पे अटका। इन्होंने कहा कि अगर ये नेशनल यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हम राष्ट्रवादी बन जाएंगे, तो मैंने ये पूछा राष्ट्रवादी हम अभी कि राष्ट्र बस बारे में। अभी हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है, हम उस लेवल पे नहीं। यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे तो नहीं दबाया जाएगा, हम उस लेवल पे आज हम अगर नेशनल यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो इसका आवाज पूरे नेशनल में चुना सुना जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी। ऐसा लगा क्योंकि मैं एक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ कि जब नेशनल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो ज्यादा स्कॉलरशिप होती है, हॉस्टल के लिए ज्यादा फंड होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्यादा फैसिलिटी है, ये सुधर जाएगी। हाँ वही तो, ये कहिए कि फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। आप कमरा दिखाएंगे अपना, कमरा किसका है जी? कमरा देखते हुए चलते हैं, चलिए आइए। यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं सर, वहाँ एक चीज और होता है। हाँ, वहाँ ये चीज होता है। अरे रूम नंबर 52। हाँ, तुम रेकलेस, तुम रोक लेना जो बाहर है। गैलरी का नाम है सर एडवर्ड वेकर भी। सर वेकर के? हाँ, हमारे बिहार यूनिवर्सिटी है हमारे। अरे रुक जाइए, कुछ बता रहे हैं। हाँ, इस गैलरी का नाम है सर एडवर्ड वेकर भी। अच्छा, अंग्रेज के नाम पे। इस हॉस्टल का नाम है लॉर्ड मिंटो के नाम पे, जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपने पटना कॉलेज आती थी। तो ये कभी इसके नाम, आजकल नाम बदलाव का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो कभी ये नहीं कहा? हाँ, नाम, हाँ, बहुत सारे प्रोफेसर, कोई झाजी थे बोल रखे कि इसका भी नाम बदलना, तो सब छात्र ने विरोध किया। कर रहे हो, वीडियो शूट हो रहा है बढ़िया से कैमरे पे। सर गैलरी का नाम नहीं जानते होंगे, गैलरी का सर एडवर्ड बेकर विंग। कहाँ चलना है, किस दिशा में? मगध यूनिवर्सिटी का था, तो मगध यूनिवर्सिटी की हालत इतनी खराब हो गई है ना कि 17 से 20 का सेशन अभी फर्स्ट ईयर का हो रहा है।
17 से 20 का जो सेशन था ना 2017 से 20 का, हाँ, उसका अभी फर्स्ट ईयर अभी 27 है। अखबार लगता है सेशन जो है अभी जो 17-20 जो सेशन होना चाहिए उसमें अभी फर्स्ट पार्ट का एग्जाम हुआ है, वही हमारे पटना यूनिवर्सिटी 17 का सेशन अब एग्जाम हुआ है अभी अभी हो रहा, अभी कुछ लोगों का हुआ है ना, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो अभी तक हुआ ही नहीं है उसका। अरे बाप, मगध यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। एक चीज और बताना चाहेंगे भैया कि आप बोले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU के अंदर यदि 10 लोग किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष करते हैं तो उन्हें सुनने वाला समझने वाला जो लोग है उसका संख्या ज्यादा है, उनको वो चीज जो है वो एक न्यूज़ बन के निकलता है। पर पटना विश्वविद्यालय के अंदर जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि 7 दिन तक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेने के लिए लड़के संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और उसका एक खबर जो है लोकल अखबार तक में नहीं छप रहा है। 7 दिन तक हंगर स्ट्राइक होता है, कहीं कोई सुध नहीं लेता, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो है हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करने का किसी को अधिकार नहीं है। सही बात, ये नया हॉस्टल है? नहीं सर, ये नहीं, आप लोग एक बता रहे थे ना कि अलॉट नहीं कर रहे थे। हाँ, अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम हुआ है, और देखिए सर 3.5 साल बाद जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें भी देखिए कि क्या कंडीशन है, ये फर्श देखिए, ये दीवार देखिए, और क्या इसमें मरम्मत विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। अभी फेराडे हॉस्टल देख के आए तो हमको उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा लगा सर। इसमें खर्चा 10 करोड़ के मुकाबले ज्यादा अच्छा है ना, देखिए। हाँ अच्छा है थोड़ा, फेराडे में तो खिड़की विड़की सब सीलिंग वीलिंग उखड़ा हुआ। किसका रूम है ये? आपका रूम? बैठिए बैठिए। तो आप कुछ पोस्टर वोस्टर नहीं लगाए? बैडमिंटन खेलते हैं जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ये पॉलिटिकल साइंस का। किताब बहुत कम दिख रहा है, कहाँ है बाकी? यहाँ पे। हाँ, कितने में काम चल जाता है? जो जरूरी का वही है। एक चीज इधर आइए, आज आप लपेड़े में आ गए हैं, बैठिए बैठिए। हाँ, बोलिए। इसमें टेक्स्ट बुक नजर नहीं आ रहा है, सब कोचिंग कुंजी है। ये रहा मेरा टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस का, और एक और होगा जो मेरे जूनियर का रूम है। बस दो ही है अब, एक साल में दो ही पढ़ना पड़ता है तो दो ही पढ़ेगा। हाँ, तो 200 एक साल में सिर्फ दो टेक्स्ट बुक, पेपर वन और पेपर टू, और बाकी के बगल में लाइब्रेरी में, और बाकी के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। मैं कोई अनुभवी आदमी नहीं हूँ, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं तो टेक्स्ट बुक बहुत सारा होता है ना, हर पेपर का दो दो चार चार टेक्स्ट बुक होता है। गरीब छात्र है तो उतना तो खरीद तो पाएंगे ना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता है सर। लोग गरीब घर से आए, गरीब छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, आगे चल के तरक्की करें। तुम लेकिन नेता के तौर पर बहुत तरक्की, जिस तरह तुम इनके डिफेंस में आए हो ना, और तुमने गैप में धकेल के सिंगल चुराया है, ये गरीब छात्र हैं, ये किताब नहीं खरीद सकते। जितना खरीद सकते उतना खरीदें, इम्पोर्टेंट बुक कुछ खरीदें, और जो है लाइब्रेरी में अपना टाइम जो बचा लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं आराम से, शांति से। कमरे में शांति नहीं है? कमरे में भी शांति, आप बहुत सारे जो खेलने कूदने खेलने कूदने मुझे तुमसे वैसे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। सर इसमें किताब क्यों नहीं रखा जाता? ये जो छात्रावास है ना, सरकार का जो पुलिस है ना, वो यहाँ पे सप्ताह में जो कहीं कुछ हो रेड यहाँ पे मारते हैं मिंटो में। जी जी, ये भी एक इसके लिए, ये भी एक शाम के समय मारा गया है रेड यहाँ पे। क्यों मारा गया? एक दिन बोले क्यों मारा गया? इलेक्शन को लेके शायद यहाँ पे छापामारी के लिए कहीं कुछ मिल जाए, पता नहीं मेरे रूम से कौन सा बम उनको मिलने वाला है, और यहाँ पे बेड में ऐसे करके मार रहे थे कहीं इसके नीचे बम हो। आप बताओ। अरे नहीं है अभी इतना, अगर हम खुश होंगे तो इसके नीचे बम थोड़ी ना रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बगल में। अरे एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे छात्र रहता है, गुंडा नहीं रहता। छापा क्यों पड़ता है? कुछ पड़ता है जी, छापा इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग जो बैठे हुए हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं जी, कहीं भी झगड़ा लड़ा जाता है। ऐसा होता था क्या? बहुत पहले का बात है, बहुत सारे बात ऐसे होते थे जो हम लोग आज तक नहीं जान पाए, और लेकिन बाहर के जो आदमी को देख के हमको कतई ही नहीं लगता कि तुम नहीं जान पाए हो। बाहर के आदमी जानते, वो अफवाह फैलाते हैं कि अंदर का, वो अंदर आते हैं कुछ मिलते हैं, आज तक वो अंदर से एक भी चीज खोज के दिखा दिए हो कि हम आज तक इतना दिन रेड मारे हैं, एक भी चीज हमको हाथ लगा है, कुछ तो नहीं लगता उनके, कुछ नहीं। अब बार बार निराश होगा कुछ है? आज शाम में मेरा एक हॉकी स्टिक रखा हुआ था, वो लेके जा रहे थे। हॉकी स्टिक? हाँ, तो वो पूछ रहे थे खेलने के लिए रखते हैं। हाँ। विकेट रखे थे, 3 विकेट रखे थे, 3 उनको लग रहा होगा तुम लोग हॉकी स्टिक से मारपीट करते होगे। कोई हॉकी से बिल्कुल मार नहीं होता है, वही तो हॉकी स्टिक रखे, हॉकी से, बेसबॉल बैट से, क्रिकेट कस्टम से कभी मार होता है, टूट जाता है खेलने के क्रम में, टूट जाता है, इसलिए खेलने क्रम में टूट जाता है, और हम लोग खेलने में विश्वास करते हैं। पिछला बार अगर याद हो, पुलिस आई थी, रैकेट को तोड़ दिया था, 10 गो रैकेट, 3 रैकेट, 2 बैट गए ना। बहुत बड़ा अच्छा, बैडमिंटन में चैंपियन बनना है, नेशनल चैंपियन बनना है, आप बताइए बार बार बैडमिंटन तोड़ेगा कहाँ से खरीदेंगे कार? क्या नेता ये सब मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग? देखिए सवाल ये है कि पुलिस यहाँ मुद्दों को एंटरटेन नहीं किया जाता है, पुलिस जहाँ पे अपराधी है, आपको ताजुब लगेगा कि इस कैंपस में पुलिस थाना है, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, यहाँ छात्रों को अपराधी बनाया जाता है,
चंद पैसों के लिए। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी तो यहीं के इसी हॉस्टल के हैं ना, तो हम लोग उनसे भी अपील करते हैं कि उनको ये थाना हटाया जाए। तो हम उनके पास जाएंगे कि भैया देखिए मेरा रैकेट तोड़ दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं होगा, आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं लिखते इसके? हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन लिखे हैं, बहुत सारा आवाज उठाए हैं। और हमारे हॉस्टल में यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक भी बुक नहीं है। हम चोर भी सी बोलेंगे, विद्यार्थी के कितने रूम में पंखा नहीं मिला है, काहे नहीं मिला? अरे हम लोग हाँ, और ये लाइट वाइट वो क्या कहते हैं, पुराना किताब जो था ना उसको बेच के पंखा खरीदे हैं। हाँ हाँ, बहुत गरीब छात्र है, आपको पता नहीं है। ये जो रैकेट है ना, पता है वो जो एजाज खान तोड़ के गया था वहाँ पे, जो फिर वो ट्यूब नहीं, फिर वो फिटनेस बैंड आपका है? पता नहीं, मेरा ही है। गरीब छात्र? हाँ गरीब छात्र, एक दे दिया, गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में मिला है, बोला कि लो। मैं दरअसल ये मुझे मजाकिया इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने बिहार की गरीबी को बहुत करीब से देखा है इस चुनावी दौरे में, इसलिए आप बार बार अपने आप को गरीब मत कहिए। मैंने गरीब छात्रों को देखा है, कल ही देखा है, दीघा रोड पे नाले और रेल की पटरी के बीच रहने वाले गरीबों को देखा है। उनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, शौचालय नहीं है, मकान नहीं है। तो आप ईश्वर को मानते हो, जिसको भी मानते हो, ठीक ठाक आय वर्ग के होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अति समृद्ध हैं, पर बार बार अपने आप को गरीब मत कहिए क्योंकि मैंने गरीब छात्रों को देखा है ना बिहार के दौरे में, तो बात हल्का हो जाता है। आपका मांग सब जायज है, किसी को हक नहीं है आपके बैडमिंटन रैकेट को तोड़ने का, लेकिन ऐसे मत बोलिए। हाँ, जो यहाँ पे जो वाइस चांसलर है, यहाँ पे जब एक दिन गए उनके पास, बोले सर पंखा के लिए, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पहले पंखा मिलता था जो तुमको मिलेगा था? हम बोले सर पहले ना इसी बोलते हैं। हाँ तो पहले बोलते हैं कि हम उनको सर जवाब दिए कि सर पहले यहाँ पे ना दिया पे पढ़ाई होता था, आप दिया दे दीजिए, लाइट उट जितना है ना सब खुलवा दीजिए। तो कहते नहीं ठीक बात है, अगला बार उनका पता है सर, जितना भी पटना यूनिवर्सिटी का आप ऑफिशियल साइट खोलिए, जितना भी टेंडर का होगा ना, टेंडर जो निकाला जाता है, पता है टेंडर किसके नाम से निकलता है? वीसी के आवास का बाथरूम बनवाना है, वीसी के आवास में अभी फ्लोर बनवाना है, वीसी का छत बनवाना है, सारा मतलब 90 में से ना 100 में से 80 आपको मिलेगा वीसी का ही टेंडर निकलेगा, आवास का, ऑफिस का, मतलब उनको कर दीजिए कि एक वीसी के खिलाफ आंदोलन नहीं होता यहाँ पे, कोई नहीं करेगा, हम बताते हैं, सब यहाँ पे चाटता है कोई भी हो। एक बार गए उनको बोलने के लिए तो क्या कहते, तुम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस समझाए, तो उनको यहाँ पे बोलते घुसने गए ना, जब पूछने के लिए गए कि सर आप ये मांग क्यों नहीं पूरा करते, तो बोलते कि तुम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस समझा रहे हो जो बार बार आ जा रहा है। अब उनको खिलाफ अगर उनके खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं वहाँ पे, तो हमको बोलेंगे रेस्टिकेट कर देंगे। अगर एक बार ऐसे ही हम लोग प्रिंसिपल के पास मांग को लेके गए थे, तो एक बार हमारे सीनियर भैया, तो उनको बोला कि रेस्टिकेट कर दिया, उनको फैमिली को बुलाना पड़ गया। बैठिए तो कल पुलिस आके आपको उठा लेगा, पुलिस उठा लेगा, दो केस डाल देगा, अज्ञात में नाम डाल देगा, बोलेगा फलनामा केस में अज्ञात में नाम है, इसको डाल दो, हो गया, तय कर देगा। इसका काम है अपराधियों को पकड़ना, यहाँ पे छात्रों को अपराधी बना दिया जाता है। जो बोल रहा है कि हम लोग लड़ते हैं, हम लोग चीज़ों के लिए लड़ते हैं, लेकिन सब चीज़ ऐसा ऐसा काम हो रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत ज़रूरी है वो सिस्टम को सही करें। बाबा बता रहे थे मेस का, हमारे विश्वविद्यालय में पूर्व में मेस चलता था, लेकिन आए दिन क्या हो गया कि प्राइवेट आदमी के हाथों में मेस आ गया, वो ढंग से खाना नहीं, तो छात्रों का आक्रोश हुआ, इससे विवाद से मेस भी बंद हो गया। और जो बहुत सारा समस्या है विश्वविद्यालय का, लैब बना हुआ है तो अंग्रेज जमाना का, आज भी गिलास उसमें पानी पिया जा रहा है। वैसे मेस का सर हम लोग विरोध भी करते हैं क्योंकि उस मेस में खाना खाने के बाद यदि किसी को फूड पॉइजनिंग होता है, यदि खाना खाने से किसी की जान चली जाती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप तो अब जेडीयू से जुड़े हुए हैं ना? जी जी बिल्कुल, और अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे छात्र राजनीति की लंबे समय तक। ये मैंने खूब सुन लिया, लगातार सुन रहा हूँ अलग अलग विश्वविद्यालयों की तकलीफ और सब। जब आप लोग ऊपर के स्तर पर ये सब मांगे उठाते हैं, तब क्या रिस्पांस होता है मुख्यमंत्री के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, वीसी के स्तर पर? मतलब जहाँ तक हमको समझ में आता है, बिहार के अंदर में एक साजिश के तहत छात्र राजनीति को ख़त्म कर दिया गया। आप अभी बाबा से पूछ रहे थे तो उनसे आपने पूछा, लालू जी, नीतीश जी, बिहार के जितने टॉप लीडर्स हैं, 15 साल लालू जी ने सरकार चलाया, 15 साल से नीतीश जी सत्ता में बैठे हुए हैं। और आप पटना विश्वविद्यालय के क्या हालात हैं या बिहार की शिक्षा के क्या हालात हैं, आप खुद घूम करके देख रहे हैं, तो जो जहाँ का छात्र रहा है उस जगह की ये स्थिति है, तो बाकी जगह पूरे बिहार में अगर आप घूमेंगे वहाँ की क्या स्थिति है आपको खुद पता है। तो यहाँ छात्र राजनीति को दबाने का काम किया गया, वो मैं धन्यवाद दूंगा। और मेरे ऐसे ऐसे हर छात्र नेता जो बिहार के किसी भी कॉलेज से निकले, अगर मैं अपने जीवन में कुछ होता हूँ तो मैं उनका सम्मान करूँगा, उनके लिए मेरे से जो हो सकेगा वो करूँगा। वो सत्यपाल मलिक जो अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उनके वजह से बिहार में चुनाव हो पाया, और मैं छात्र संघ का, और मैंने अपने जीवन में किसी राज्यपाल को देखा है जो मन से खड़ा होकर के कहता था कि इस बिहार में सारे बीएड कॉलेज नेताओं के हैं और उसमें डिग्रियाँ बांटने की काम की जाती हैं।
और मैंने वैसा राज्यपाल देखा जो कहता था कि जिस बिहार ने छात्र राजनीति से जेपी को दिया, लालू को दिया, नीतीश को दिया, उस बिहार में आखिर किस कारण से 35 साल से छात्र संघ, 32 साल से, 28 साल से, जो भी उसका यह इतने दिनों से छात्र संघ का चुनाव क्यों बंद कराया गया है। ये मंच पर बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो सत्यपाल मलिक थे। उनका प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के उनको उनका तबादला बिहार से करके जम्मू कश्मीर उनको भेज दिया गया। वो जब आए थे तो हम लोगों के अंदर में एक उम्मीद जगी थी। राजभवन आप छोड़ दीजिए, ये जो लोग बता रहे हैं थाना और वीसी आपको इंटरटेन नहीं करेगा यहाँ पर। और वो शख्स जब राजभवन में बैठे हुए थे तो अगर ये हमारे उस समय में साथी थे, हम लोग साथ काम करते थे, अगर रात को अगर हम लोग आज लिखते थे कोई समस्या पटना विश्वविद्यालय की तो अगले दिन वहाँ से रिप्लाई आता था। अच्छा, ये आप हम मेरे पास आप ये गवर्नर का बता रहे हैं, ये तो वीसी का बता रहे थे कि वीसी बोल रहा है पोस्ट ऑफिस, सच बता रहा है वो बच्चा, झूठ नहीं बोल रहा है वो, सच बोल रहा है। और वो आदमी जिस दिन मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, वो दुर्भाग्य है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कि वो बिहार से चले गए, ये साथ है। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उनका जवाब आया हुआ है सर, मैंने 50 लेटर होंगे जो राजभवन से, अगर मैं रात को लिखता हूँ कि यहाँ पर जो भी समस्या हम लोग लिखते थे, अगले दिन उसका रिप्लाई आता था। आज समय मांगे कल हमें समय मिलता था, हम लोगों ने 5-7 बार जाके गवर्नर से मिलने का काम किया था। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का, बिहार के छात्रों का, बिहार के भविष्य का। आज भी इस इसी जिस मिंटो हॉस्टल में आप बैठे हुए हैं, पूरा जितने रूम है सब में से IAS IPS निकला करते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि यहाँ से ये एक ये हम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। आज बिहार में मतलब जो जंगल राज कहा जाता था, बड़े बड़े अपराधी बिहार अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, उस बिहार को जब कानून व्यवस्था ठीक किया जा सकता है तो सरकार चाहेगी तो पटना विश्वविद्यालय में 900 शिक्षकों की बहाल की जगह पर 300 जो शिक्षक हैं, 900 का 900 फुलफिल करने में कितना समय लगेगा। अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ पर स्कॉलरशिप गरीब छात्रों को देने में कितना समय लगेगा, जो पंखा है, बिजली है। तो सरकार का जो रवैया है शिक्षा व्यवस्था के प्रति अति उदासीन रहा है बिहार के अंदर में। और हम लोगों ने इन सारे मुद्दों को उठाने का काम किया है, वो विभिन्न, अगर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था तो हम लोगों ने सब लोगों ने बिहार भर के छात्र नेताओं को बुलाया और हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था। हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि हम लोग बड़े स्तर पर इसको इस मुद्दे को उठाएं और चुनाव, लोकसभा का चुनाव बीतने के बाद हम लोग इन सारे मुद्दों पर फिर से काम करेंगे। लेकिन मूलतः जो आपने प्रश्न पूछा, सभी लोग बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों का शिक्षा के प्रति रवैया उदासीन रहा है, उदासीन। और ये सत्यपाल मलिक और बिहार सरकार के वजह से आपको चुनाव यहाँ पर हुआ, उसमें सत्यपाल मलिक को मैं सत्यपाल मलिक जी के सरकार जो है वो राज्यपाल महोदय को हम लोग भी धन्यवाद देते हैं, कुछ चुनाव करवाए थे। और जहाँ तक रहा है कि आप लोग भी दिल्ली में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि बिहार का अपराध का किस तरह ग्रोथ है, प्रतिदिन हत्या हो रहा है। सरकार जिन चीज़ों पे कंट्रोल करे, आज CM साहब को विश्वविद्यालय को इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं, एक बार भी इसी समस्या को सुनने का समय नहीं है उनको, आचार संहिता चुनाव में बिजी है। ऐसा चुप गया था जो बात बोले ना कि यहाँ पर तू पोस्ट ऑफिस समझाया, एक बार हम चाहते हैं कि एक बार सामने में सबको लोग के मिले, उनको हम जवाब दे कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है। और एक बीसी का एक शब्द हम भी बताना चाहेंगे, छात्रों को ताकत मिला 35 साल के बाद इस बिहार के अंदर में। और हमारा एक प्रतिनिधि, हम लोग हमारे पास ये उसमें नहीं शामिल हो पाए थे उस प्रति, जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे और हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, हमारे साथ 5-7 लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग सब तरह के लोग हमारे साथ गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जब हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष हुए थे। और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग वहाँ कोई मुद्दा रखेंगे, या हम लोग बात करते करते CM से बात, जब हम लोग बात करना शुरू किए तो वो भी पुराने दिनों में चले गए कि हम NIT में कचौड़ी खाते थे और हम जब विधायक हुए थे तो रिंग बस सेवा से चढ़ के विधानसभा जाया करते थे। और हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने अपने बातों को रखा और तीन दिन में छात्र संघ क्या कर सकता है और छात्र अगर एकजुट हो तो क्या कर सकते हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय ने इंदिरा गांधी का सरकार गिरा दिया 74 में, यहीं से आंदोलन हुआ। हम लोगों ने बात करते करते पटना विश्वविद्यालय में 3 दिन में बस सेवा शुरू हुआ, 3 दिन के अंदर में। और हम लोगों ने इस मतलब उस व्यवस्था को हम लोग सुधारने का प्रयास करें और हम लोग एकजुट, हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप VC को बैठाइए, यूनियन के लोगों को बैठाइए और आप 100 करोड़ तक का DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, हम वहाँ विश्वविद्यालय में काम कराएंगे। और मतलब हम लोगों ने जो समस्या बताई वहाँ पर उसका निवारण करने का उन्होंने प्रयास किया उस समय में, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी व्यवस्था हो गई चारों तरफ। अभी फिर अगले बार मूलभूत जो सुधार हैं, शिक्षकों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काम होना चाहिए। कोई भी पढ़ाई की चीज चलाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दीजिए, एक पढ़ने वाले की और दूसरा पढ़ाने वाले की। यहाँ पढ़ाने वाले ही नहीं, ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सिर्फ HOD के दम पर डिपार्टमेंट चल रहा है, HOD एक दिन क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। परीक्षा कदाचार मुक्त होना चाहिए। 4 वर्ष में HOD ने एक क्लास नहीं लिया,
तो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? वही तो हम लोग पूछना चाहते हैं। ऐसे ऐसे गरीब है, उनको तनख्वाह है। आप उनके विरोध में नहीं बोलिए, विरोध में बोलिएगा तो आपका पास करना मुश्किल हो जाएगा, नंबर नहीं मिले। क्या मोटो क्या है? एक हर यूनिवर्सिटी का एक वो होता है ना ध्येय वाक्य, माइंडसेट है कि यहां पटना यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य क्या? किसी के पास आई कार्ड है? हां मेरे पास। हां आई कार्ड पे ध्येय वाक्य लिखा होता है, दिखाइए जरा। हां क्या नेता? हां लाइए दिखाइए। गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना। हां कुलगीत है इसका ध्येय वाक्य क्या है ये जो नीचे लिखा हुआ है? अरे लिखते होंगे पीयू के नीचे। आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का देव आके नहीं पता, हर यूनिवर्सिटी का होता होगा। दरअसल है लिखा लेकिन पता डिग्री से मतलब रखते हैं। यहाँ पे बीसी बोले कि पोस्ट ऑफिस है तो इसमें क्या रखना चाहिए? वहाँ तो क्लास भी नहीं चलता। लॉ कॉलेज में क्लास नहीं चलता? कौन लॉ कर रहा है आप में से? मैं कर रहा हूं। अच्छा आप लॉ कर रहे हैं, तो बिना क्लास किए कैसे वकील बनेंगे आप? हाँ बुक पढ़ रहा हूँ, जो बुक लाइब्रेरी में इशू होता है उससे, नहीं तो फिर ट्यूशन कीजिए। इस तरह की स्थिति है यहाँ। सारे टीचरों को निकाल बाहर करिए जब बुक पढ़ के ही करना है तो। तीनों ईयर का मिला के 900 स्टूडेंट है, 900 स्टूडेंट है, वहाँ टीचर होनी चाहिए पर स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होता है वहाँ, मानी तो अभी तक चार प्रोफेसर है मात्र 900 पे चार। बिहार विश्वविद्यालय में स्पेशल 914 छात्र तकरीबन, जैसे कि LLB में तो 300 सीट है लेकिन LLM में 20 स्टूडेंट का सीट है मात्र। ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि 300 स्टूडेंट लॉ पढ़ के LLB कंप्लीट करके LLM करने कहाँ जाएगा, कहाँ जाएंगे? देखिए बड़ा अनकॉमन है, कॉमन सेंस सरकारों में दुर्लभ होता जा रहा है। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, लोग सब इतना गंभीर बात कर रहे थे और मैं बड़ी अगंभीर चीज़ सोच रहा था कि ये कमरा बनाया है, इस कमरे में अलमारी नहीं दिया है। और सर ये देखिए नहीं नहीं पेंट किया गया है, चूना मार दिया गया है पीछे। अरे वो सब तो ठीक है, सामान रखने के लिए कमरे में अलमारी होता है, फर्नीचर यहाँ पे नहीं मिला है। अलमारी नहीं दिया जाएगा तो इसी यहाँ पे जो भी तो वो दो हॉस्टल अलॉटमेंट करना ही नहीं चाहते थे। हम लोग के दबाव पे जो है भूख हड़ताल पे हम लोग यहाँ पे एक बैग सामान रखना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इतने विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया। यहाँ के बीसी को तो 6 महीना लगता है सिर्फ माली को अलॉट करने में, जो कि अभी तक नहीं हुआ अलॉटमेंट के बाद। अभी तक एक माली, 6 माली उनके आवास पर रहता है। कार पंचर हो जाए तो 5 कार लग जाता है तुरंत। अब पता नहीं चोर, हमारे चोर बीसी साहब को कहाँ से मिल जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों के लिए खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाता है किन्हीं का। मेरा शरीर खुद देखिए कितना कमजोरी आ गया है। घर पर आते हैं तो कितना मोटा तैयार, हेल्दी रहते हैं कम से कम। यहाँ चोर भिसी साहब को मेस स्टार्ट करने में घर पे रहते तो कैसे रहते हैं? हेल्दी रहते कम से कम, शरीर बना रहता, अच्छा चार्मिंग रहता, डिम्पल साइड में पहले निकलता था वो गायब हो गया, अब वो नहीं निकल रहा है। बीसी तुम्हारा डिम्पल भरवा दिया। कहाँ खाने का अच्छा व्यवस्था, बाहर जाइए आप खाइए, आप बाहर खा पाइएगा? कितना तेलीय खाना रहता है, पैसा ज्यादा, टाइफाइड आपको अगले दिन। डिम्पल बाहर खाने से बंद हुआ है? हाँ भर गया गड्ढा, गड्ढा भर गया, बताइए। अरे यार ये बड़ा निराला आदमी है, ये जो समस्या है। मैं फैन हो गया हूँ आपका, आपको पता है मैं ऑफिशियली कैमरे पे कह रहा हूँ कि मैं मणि जी के इस छोटे भाई शिष्य रेकलेस का फैन हो गया। आप अद्भुत हैं, आपकी थ्योरीज अद्भुत हैं। मानवता जब बिल्कुल गहन तिमिर में डूबी होगी और उसे उम्मीद की एक किरण की तलाश होगी तो वो आप होंगे। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहते हैं कि बीसी की वजह से आपके गाल का डिंपल चला गया है? सही में चला गया, पंखा तक नहीं मिल रहा है, पंखा नहीं मिल रहा है, माली नहीं मिल रहा है उनके। नहीं, नहीं, आप तो उनके ऑफिस के बाहर जाइएगा, सिर्फ जहाँ से उतरते हैं ना सीढ़ी के पास 15 गमला, यहाँ हॉस्टल में 1 गमला नहीं मिलेगा। वहीं से उठा के हमको मजबूरी में हमारे स्टेज को सजाने के लिए थोड़ा 2 गमला हमको लाना पड़ा गार्ड से। हाँ हम बीसी के यहाँ से उठाए, गार्ड से बगझा करके जाके बीसी साहब को बोलिएगा कि जब तक गमला नहीं आएगा मेरे हॉस्टल में तब तक हम 1 गमला डेली उठा के लाएंगे। विद्यार्थी हम हक का लड़ाई लड़ेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। तो आप ये बताइए आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? अभी नेता लाइन में तो नहीं उतरना चाहते, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। कितना पढ़ाई करेंगे? जेनू अभी जाएंगे लैंग्वेज कोर्स का कुछ सोचे हैं कि लैंग्वेज कोर्स करके कुछ। लैंग्वेज कोर्स? हाँ पर आप बोल रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। नहीं उसके बाद लैंग्वेज हमको करना है। पर जेनू में तो लैंग्वेज में ग्रेजुएशन होता है। हाँ वही ग्रेजुएशन करके लैंग्वेज ग्रेजुएशन करके फिर ग्रेजुएशन। हाँ हम 2 डिग्री हासिल करेंगे हर एक लैंग्वेज से हम करेंगे। कौन से हर एक लैंग्वेज से करेंगे? हाँ
कितना लैंग्वेज होता है जी? नौ। तो आप कौन सी लैंग्वेज से करेंगे? रशियन लिए हैं, फ्रेंच लिए हैं, स्पायो था वो लिए हैं, स्पायो स्पायो वहाँ का है सर। लेकिन बात तो सही बोल रहे हैं, बोल दीजिए ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये तीन आपने ऑप्शन भरा है। अच्छा, तो आपने पहला तो रशियन दिया है, तो रशियन से करेंगे। हाँ, पर रशियन में तो उतना जॉब स्कोप वगैरह कुछ रहा नहीं है। अभी कुछ है, कुछ तो होगा। पाँच साल में कुछ नहीं होगा तो कन्हैया कुमार की तरह युवा तो रहेंगे छह साल तक, और जाकर चुनाव कहीं से लड़ेंगे, एक दो बार भी देश विरोधी नारा का करेंगे, उस बाद भी हाईलाइट में आएंगे। हम नहीं लगा सकते, हम अपने देश के खिलाफ, हम अपने देश धरती माँ से बहुत प्रेम करते हैं, उसके खिलाफ हम नारा नहीं। हमको इतना सत्ता लगता है कन्हैया कुमार ने ऐसा नारा लगाया? नहीं, हमको तो लगता नहीं, लेकिन उन्हीं के बीच में सब आपके साथ ही कर रहे हैं। अब पक्का प्रूफ हमको नहीं मिला अभी तक कि कन्हैया कुमार। संरक्षण का एक बात होता है, यहाँ पे कुछ होता है ना, अगर बगल से कुछ जा रहा है तो हम भी जानते हैं कि कौन किया है और किसके अनुमति से होता है, यहाँ पे हर कोई जानता है। यहाँ पे कन्हैया कुमार ने जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए उनको संरक्षण दिया, और उनके मतलब होता है उनको पता होगा कि वो नारा लगा रहा है, वो सब कुछ जानते हैं। इतना बड़ा कोई लीडर बन जाता है ऐसे ही नहीं बनता है। ये बात हो सकता है, जिसके साथ भीड़ चल रहा है, नेतृत्व जो कर रहे हैं, तो लाजमी है कि सवाल भी उन्हीं पर उठेगा, उनको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपके सभा में नारा लगा तो आप उसका डिनाई नहीं किए, और आप भले आप बातों का जादूगर बन के लोगों को ठग लीजिए, सुना दीजिए लोगों को, लेकिन वो गलत था और गलत रहेगा। मोदी को देश को दोनों यहाँ पे देश में ना दो बार बोला पैदा हो गया, एक नरेंद्र मोदी और एक कन्हैया कुमार, दोनों बराबर करके बोलते रहता है। एक इधर पैसा के लालच से है ना देश डुबा के रख देंगे, और कुछ नहीं। जो कन्हैया की नरेंद्र मोदी दोनों नेता खत्म है, दोनों को बताते हैं खत्म है। अगर यहाँ पे नोटबंदी का जो उस टाइम में जो बात हुआ, नोटबंदी करके ना पूरा डुबाया है पैसा, यहाँ पे ना जो पैसा फंसा है ना, ये अरुण जेटली का जो बात, ये इससे पहले अगर नोटबंदी से पहले ये जो 40 और 60 का जो काले से धन सफ़ेद करे, ये स्कीम क्यों निकाला गया था? इससे पहले वो अपना सारा नेता का सफ़ेद करवा चुका, कन्वर्ट करवा दिया होगा, और बाद में ये नोटबंदी किया, और उसके बाद 50-50 पे कर चुका था। तो अगर आप, मैं हर बार पटना आकर, पटना यूनिवर्सिटी आकर, एक पत्रकार के तौर पर और एक इंसान के तौर पर समृद्ध महसूस करता हूँ दो वजहों से। एक तो धीमे धीमे मेरे पटना यूनिवर्सिटी में दोस्त बनते जा रहे हैं, और उनकी बातें बड़ी लाजवाब होती हैं, उनकी थ्योरीज हैं, उनके दावे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे डिंपल वापस से आ जाए। अरे यार, ऑन अ सीरियस नोट, बिहार कब तक हजारों बरस पीछे जाके अपने अतीत के शौर्य की गाथा गाता रहेगा और अपने मान के मस्तक पर तिलक लगाता रहेगा? कब तक? वर्तमान के उदाहरण कब इसकी तारीख का, इसकी किताब का हिस्सा बनेंगे? इसका जवाब बिहार को देना है। बहुत गरीबी है, बहुत पिछड़ापन है, लेकिन यहाँ का जो युवा है, इन सब के बावजूद ऊर्जा से भरा है, जोश से भरा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सही सोच से भी भरा होगा। यहाँ हल्के फुल्के प्रसंग हुए, गरीबी का जिक्र आया, तो मुझे वो सीन याद आ गया जो मैं कल देख के आया हूँ, जो मैं बिहार के कई गांवों में अपने चुनावी दौरे में लगातार देख रहा हूँ। पढ़ाई और दवाई, सरकार की ये जिम्मेदारी है हर गरीब, हर मध्य वर्ग तक उसकी सीधी पहुँच हो, आर्थिक आधार पर, जाति आधार पर किसी भी किस्म का भेद ना हो। लेकिन बिहार में शिक्षा अभी भी किसी भी सियासी दल या सरकार की प्राथमिकता नज़र नहीं आता है। पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा विश्वविद्यालय, एक अच्छा कोर्स पूरी ज़िंदगी संवारता है। मुझे औरों का नहीं पता, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर पाया हूँ सिर्फ दो अध्ययन केंद्रों की वजह से। दीनदयाल विद्यालय कानपुर में मेरा, जहाँ से छठवीं से लेकर दसवीं तक पढ़ाई हुई, कमाल के शिक्षक, संस्कार देने वाले शिक्षक, पढ़ाई पर खूब जोर देने वाले शिक्षक, कोई भेदभाव ना करने वाले शिक्षक, और सामान्य से दाम पर वहाँ पर पढ़ाई हुई। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सामान्य से दाम पर पढ़ाई हुई और वहाँ पर भी कमाल के शिक्षक और शिक्षा पर बहुत जोर। जो कुछ भी जीवन में कर पाया हूँ या कर पाऊँगा उसकी वजह है ये दो शैक्षणिक संस्थान। इसलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि किसी का जीवन बदलने के लिए एक अच्छे विद्यालय का, अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छे शिक्षक का होना बेहद ज़रूरी है। विद्या तक उसकी पहुंच हो ये ज़रूरी है।
पटना यूनिवर्सिटी में ये सपना अभी धुंधला है। आप देख रहे हैं dlallantop.com।